हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी मेरा सुबह का पूजा हुआ है, वही मैं सूरज भगवान आपको दिखा रही हूँ। दिखाई दे रहा, अच्छे से दिखाई दे रहा, पर इसमें नहीं दिखाई दे रहा ठीक से, हल्का दिखाई दे रहा है इसमें, कहके अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है। 8:30 बज रहा है इसीलिए। यहाँ पूजा होने के बाद मैं आई हूँ रूम में। चाय मैंने चढ़ा दिया है कि मैं पूजा करने के तुरंत बाद चाय चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे उसके पापा भी नहा लिए हैं, ये भी पूजा करने जाएंगे, तो मैंने चाय चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में बिस्तर समेटने के लिए। उधर के समेट दिए हैं मैंने, मेरे रूम के समेट रही हूँ। वही हम लोग रजाई नहीं ओढ़ते हैं, कम्बल दो है तो दोनों को जोड़ के ओढ़ लेते हैं। क्या रजाई जितना ठंड नहीं है, मेरा रजाई थोड़ा मोटा है, ज़्यादा ठंड होता तभी वो अच्छा लगता है। अभी बिस्तर समेटने के बाद मैं इसका बेडशीट भी चेंज करूँगी, तो बेडशीट को भी उतार दूँगी कि मुझे धोना है। आज तो नहीं धोऊँगी, कल धोऊँगी, कि आज मुझे और भी काम है इसीलिए। वैसे मेरा मशीन का पूरा काम हुआ भी नहीं है, इसलिए आज मुझे धोना नहीं है, कल धोना है। निकाल के रख दूँगी मैं, कल धोऊँगी इसको। दूसरा बेडशीट इस पर डाल दूँगी, पहले उसको धूप में दूँगी दूसरा बेडशीट को, उसके बाद इस पर डालूँगी मैं धूप में देने के बाद। यहाँ देखिए मेरा चाय बन के तैयार है। अभी इलायची मैं डालूँगी लास्ट में, क्या कि मैंने इलायची डाला नहीं है, लास्ट में डालती हूँ मैं इसलिए। चाय बन के तैयार है मेरा, आप सब भी आइए पी लीजिए चाय मेरा, सबको दे भी दूँगी मैं। यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता में मैं क्या बनाऊँगी वो देख लीजिए, आज नया चीज़ है मेरे ख्याल से, तो बनाती हूँ मैं, तो 2-3 बार मैंने बना भी लिया है। चावल का आटा पीस के आया था, तो मैंने सोचा कल आया है रात में, अभी मैंने आप बच्चों को पसंद आता है, हम सबको भी आता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ मैंने तेल डाला है, आपने देख भी लिया है। उसके बाद जीरा डाला, जीरा थोड़ा सा तड़क गया, उसके बाद काला जीरा डाला है। दोनों चीज़ थोड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी भी मैंने पास में रखा हुआ है। अब बीच बीच में चावल का आटा भी मैंने छान के रख लिया है। जीरा जब उसका लाल हो जाएगा तब मैं इसमें पानी डालूँगी। अब पानी अंदाज से मैंने डाला है, आप अपने मतलब कि चावल जितना सॉरी आटा एक कटोरी है तो पानी कम से कम 3-3.5 कटोरी लग जाता है। मैंने तो अपने अंदाज से डाला है, पर यही है पानी डालने के बाद आटा डाला जाता है तो अपने पता चल जाता है कि इसमें कितना पानी लगेगा। पानी ऊपर से नहीं डलता है, कि पानी खोलने के बाद आटा कम ज़्यादा हो सकता है। पानी मेरा खोल गया, लाल मिर्च मैंने इसमें डाला है और नमक डाल दिया है। अभी मैं इसमें आटा मिक्स करती जाऊँगी, जितना लगेगा उतना डाल दूँगी। क्या कि ये खोलते हुए पानी में डालना पड़ता है, थोड़ा सा गर्म का भी डर रहता है। चम्मच से मिक्स कर दूँगी और फिर इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। अभी मेरा चूल्हा चालू है, बंद नहीं किया मैंने, क्या कि वैसे भी चावल का आटा को जब सानते हैं रोटी भी बनाने के लिए फिर और भी कुछ के लिए तो गर्म पानी में साना जाता है, ठंडा पानी में चावल का आटा नहीं होता है। इसमें आटा और लगेगा, क्या कि अभी गीला है, जितना मेरा लगेगा उतना मैं इसमें डाल दूँगी। नया रेसिपी इसलिए मैं पूरा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आया तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा बनता है इसका पराठा। यहाँ देखिए मेरा चावल का आटा मैंने मिक्स करके ठंडा कर लिया है। उसके बीच में मैंने आलू भी छील लिया था, कि आलू भी गरम गरम छील के रखना है, फिर इसको मिक्सर से मैश कर देना अच्छे से, क्या इसमें टुकड़ा मतलब मोटा आलू नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद इसमें मैं आटा मिक्स कर दूँगी, दोनों चीज़ हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसमें हाथ मतलब कि अभी गर्म है, करते करते ठंडा हो जाएगा। आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, आटा इसमें डाल के इसको साथ में मैं अच्छे से इसके साथ मिला दूँगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं हाथ से मिलाऊँगी, पहले तो इसी से मिला दूँगी कि आलू जिससे मिक्स किया है मैंने
मैं सर से गरम गरम है तो गरम गरम में तो हाथ नहीं दिया जाता है, मिक्स करने के बाद मैं हाथ से मिलाऊंगी। अब हाथ देने लायक हो गया तो मैं इसमें हाथ से मिक्स कर दूंगी। क्या इसमें गेहूं का आटा भी मैंने पास में रखा है, गेहूं का आटा भी हल्का लगेगा, उससे इसका रोटी फटेगा नहीं। पहले इसी को मिक्स करूंगी उसके बाद गेहूं का आटा डालूंगी। गेहूं का आटा बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे कि मैंने आलू डाला है तो आलू भी थोड़ा पानी छोड़ देता है, तो वही गेहूं का आटा डालूंगी तो ठीक हो जाएगा, रोटी फटेगा भी नहीं। इसको अच्छे से हाथ से मसल मसल के, जैसे आटा गेहूं का लगाते उससे डबल मेहनत इसमें लगता है, टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है। हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसको लगाना है, क्या कि इसका फिर रोटी अच्छा बनेगा। जितना आटा अच्छा होगा उतना रोटी अच्छा बनेगा। मैं इसका रोटी ज़्यादा बना रही हूँ तो आप सबको पता है मेरे यहाँ बगल में आंटी जी हैं, तो वहाँ से मेरा कुछ ज़्यादा ही है, वहाँ कुछ बनता है तो मेरे यहाँ ज़रूर आता है, यहाँ मैं कुछ अलग बनाती हूँ तो वहाँ ज़रूर देती हूँ इसलिए। और फिर हम भी 6-5 आदमी हम हैं, दीदी आती है, थोड़ा रोटी ज़्यादा ही होना चाहिए, ऐसा में गिन के मैं रोटी कभी नहीं बनाती हूँ, रोटी मेरा इसमें बच भी जाएगा, दिन में बच्चे खा लेंगे। वैसे तो दिन में मैं चावल बनाती हूँ पर आजकल ठंड के मौसम में कम बनाती हूँ। यही गेहूं का आटा मैं इसमें लगाने के लिए रेस्ट के लिए मैंने छोड़ा था कम से कम 10-15 मिनट, उसके बाद मैंने रोटी बनाना शुरू किया है। और रोटी इसका अच्छे से आपका बन जाएगा, हल्के हाथों से आप इसको बेलेंगे तो रोटी इसका अच्छे से बन जाएगा। अगर आपको गोल एकदम से रोटी चाहिए तो इसको मतलब कि जैसे नहीं काटते हैं प्लेट या फिर कोई ढक्कन हो कि कोई चीज़ का, उससे रोटी को गोल गोल अपने बन जाएगा। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा ये फटेगा, या एक चावल का आटा का रोटी है, आलू भी है इसमें तो फटना तो तय है, पर अच्छे आराम से बन जाता है, अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। वही मेरा सुबह का है नाश्ता, में मैं बना देती हूँ यही कुछ, क्या ठंड के मौसम में तो अच्छा भी लगता है खाने में। यही मैं दिखा रही हूँ कि इसको गोल करने में भी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है, दबा दबा के गोल करना पड़ता है। देखिए ये वाला रोटी भी मेरा फूल के अच्छे से ऊपर आया है। अब पहले मैं इसको बनाती थी शुरू शुरू में तो थोड़ा मेरा ज़्यादा मेहनत लगता था, मतलब कि अच्छा नहीं लगता था, फट भी जाता था, कभी इसमें चकला भी चिपकता था, कभी हाथ में चिपकता था, पर अब नहीं होता है। क्या मुझे आइडिया हो गया बनाने का, इसीलिए पहले मेरा आटा ठीक से नहीं लगता था। एक बार पहले भी मैंने शायद इस पराठा का रेसिपी शेयर किया आपके साथ, याद नहीं है मुझे पूरा। देखिए पराठा बन के तेरे पीयूष को दे दूंगी मैं, पीयूष स्कूल जाएगा, उसके बाद मम्मी को दूंगी, क्योंकि पीयूष को स्कूल जाने का हड़बड़ी रहता है। एक फर्स्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वैसे देखा जाए तो मेरा फर्स्ट वाला भी थोड़ा सा टूटा फूटा नहीं, अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब पराठा मतलब फूला भी मेरा अच्छा है, बहुत टेस्टी लगता है, या फिर दही के साथ या अचार के साथ खाइए। यहाँ देखिए फूला फूला पराठा बन गया मेरा, ऐसा पराठे मैंने बना भी लिए हैं। ये मेरा दोपहर का वीडियो है, यहाँ भैया आए हैं वॉशिंग मशीन का ये समझा रहे हैं, वही मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद ये शाम का समय है, यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन का जो कवर या इसका कुट जो निकलता है उसी में दोनों घुसे हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए इन लोगों को पता नहीं, अभी पता चलेगा, दोनों इसी में खा पी रहे हैं। यहाँ देखिए टॉर्च जला के मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए दोनों बैठे हुए हैं, अभी जाना है दोनों को ट्यूशन, उसी के लिए मैं चिल्ला रही थी, मुझे पता नहीं था इसमें है, तो आवाज़ आया तब मुझे पता चला, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। खा भी रहा है यहाँ बैठ के, नाश्ता भी लेके बैठा हुआ। यहाँ देखिए चोरी पकड़ा गया है, मतलब इनको पता नहीं था कि मम्मी देख रही है, अभी पता चला है। अभी ये जाएगा ट्यूशन, यहाँ देखिए ट्यूशन से पीयूष आ गया है। अब पीयूष देखिए कौन स्टाइल में आया, चश्मा लगा के, चश्मा लेके आया अपना रुचि दीदी का,
जैसे इनका मेम है वो मेम कम रहती है, दोस्त ज़्यादा रहती है। पावर का है, कैसा है? खूब खेलता है उसके साथ, उसी का है चश्मा भी ले आया है। यहाँ दोनों खाना खा रहा तो उसी का प्लेट लगा रहा है, वही पीयूष दिखा रहा है। दाल मेरा सुबह वाला रखा हुआ था, क्या कि छिलका वाला दाल मुझे ज़्यादा पसंद आता है, बच्चे भी खा लेते। पत्ता गोभी का सब्ज़ी मैंने बनाया है, या मैं रोटी बना रही हूँ, ये दोनों खा रहे हैं। दोनों का प्लेट लग चुका। इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।